स्वागत है दोस्तों आपके मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि चाइना ने टू चाइल्ड पॉलिसी क्यों खत्म करके थ्री चाइल्ड पॉलिसी को स्टार्ट कर दिया है, तो इसके बारे में सारा समझेंगे डिटेल से। तो अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आगे आने वाले नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएंगे। हाँ, हाल ही में खबर है कि चाइना ने अपनी टू चाइल्ड पॉलिसी को हटाकर थ्री चाइल्ड पॉलिसी स्टार्ट कर दी है। क्यों यह क्यों कर दी है कि हाल ही में चाइना में जनसंख्या के आंकड़े सार्वजनिक किए गए, जिसमें देखा गया है कि जनसंख्या का प्रजनन दर जो काफ़ी कम रहा पिछले सालों में, तो उसी चीज़ को देखते हुए चाइना ने दो साल की पॉलिसी को हटाकर तीन बच्चों की पॉलिसी स्टार्ट कर दी है ना। ये एक बैठक हुई थी जिसमें जी जिनपिंग ने एक फैसला लिया है कि चाइल्ड दर जो तेजी से कम हो रही है उसको बढ़ाने के लिए यह फैसला लिया गया था। तो हाल ही में 31 मई 2021 से यह पॉलिसी शुरुआत कर दी गई है कि अनुमति दे दी गई है चाइना के लोगों को अब दो बच्चों की जगह तीन बच्चे पैदा कर सकते हैं, इस चीज़ पर उनको अनुमति मिल गई है। बात करें वन चाइल्ड पॉलिसी के बारे में, तो वन चाइल्ड पॉलिसी क्या थी? बात करें 1969 में जब चाइना की जनसंख्या दर पर अधिकतम तेजी से बढ़ रही थी, तो वहीं पर चाइना गवर्नमेंट ने एक वन चाइल्ड पॉलिसी स्टार्ट कर दी थी। तो इसी चीज़ को देखते हुए जब 2016 में जब जनसंख्या का अनुमान लगाया गया, तो वहां पर जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से गिरावट देखने को मिली। तो 2016 में चाइना गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी स्टार्ट कर दी थी, टू चाइल्ड पॉलिसी। उसी के बाद फिर जनसंख्या में काफ़ी गिरावट देखने को मिली, वहीं पर यंगस्टर की संख्या देखने को कम मिली, वर्कफोर्स की जनसंख्या देखने को कम मिली और बुजुर्ग की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी। उसी चीज़ को देखते हुए चाइना गवर्नमेंट ने यह टू चाइल्ड पॉलिसी स्टार्ट की थी। अब प्रेजेंट टाइम में फिर यहाँ पर जनसंख्या में वर्कफोर्स की संख्या कम देखने को मिली और बुजुर्गों की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी, तो उसी चीज़ को देखते हुए थ्री चाइल्ड पॉलिसी स्टार्ट करने की घोषणा की है चाइना गवर्नमेंट ने। बात करें कि 2002 से 2010 के बीच चाइना की जो जनसंख्या दर जो प्रतिशत बढ़ने की दर थी वो 0.57% थी, वही 2010 से 2020 के बीच 0.53% इंक्रीमेंट रहा, जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत रहा। तो ये बहुत कम था पिछले है ना दो दशक में, रफ्तार काफ़ी कम रही चाइना की इसकी जनसंख्या प्रजनन की। तो इसी चीज़ को देखते हुए चाइना ने दो चाइल्ड पॉलिसी को हटाकर तीन चाइल्ड पॉलिसी स्टार्ट कर दी। उसी आगे बात करें कि देखो 2020 में केवल 12 मिलियन ही है ना 12 मिलियन ही यहाँ पर क्या हुआ प्रजनन दर हुई, 12 मिलियन बच्चे ही पैदा हुए, जबकि बात करें 2016 में यह प्रजनन दर थी 18 मिलियन। तो 2016 की तुलना में 2020 में बहुत कम देखने को मिला। तो इसी को इस ये जो सबसे 1960 के बाद सबसे कम दर थी प्रजनन की, सबसे कम दर थी, सबसे कम बच्चे पैदा हुए थे 1960 के बाद। क्यों 2020 में केवल 12 मिलियन जबकि बात करें 2016 में 18 मिलियन था, मतलब एक आंकड़ा गिर गया नीचे। बात करें 1960 के बाद चाइना में क्या हुआ, लगातार 10 साल के बाद 1960 के बाद 10 साल पर जनगणना की जाती है, तो वही 2010 के मुकाबले है ना 2010 के मुकाबले 5.38% या 60.02 बढ़कर यह 1.41 अरब के करीब हो गई थी है ना। ये थी वन चाइल्ड पॉलिसी को खत्म किया, फिर टू चाइल्ड पॉलिसी को खत्म किया, वर्कफोर्स जनसंख्या बढ़ाने के लिए किया गया है ना, यंगस्टर्स की जनसंख्या बढ़ाने के लिए किया गया, वही बुजुर्ग की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही थी। तो सबसे पहले 1969 है ना 1969 में क्या वन चाइल्ड 1979 में वन चाइल्ड पॉलिसी लाई गई, उसके बाद 2016 में टू चाइल्ड पॉलिसी, और अब 31 मई 2021 से थ्री चाइल्ड पॉलिसी गवर्नमेंट ने चाइना के लोगों को एक वो दे दिया है, छूट दे दी है थ्री बच्चे पैदा करने, तीन बच्चे पैदा करने के लिए अब अनुमति मिल गई है चाइना के लोगों को। तो ये थी वन चाइल्ड टू चाइल्ड और थर्ड चाइल्ड की पॉलिसी जो हाल ही में स्टार्ट हुई है चाइना में।